जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो हारेंगे, लेकिन हम लोग जमीन छोड़कर अब पीछे नहीं जाने वाले। तो ये सुरमा का बाय इलेक्शन है, हम लोग जमीन में हैं, और अगर चेयरमैन खुद बीमार होने के बावजूद अगर खुद वो जमीन में आ जाता है तो अपने वर्कर को एक मैसेज भेज रहा है कि हम लोग जमीन से अब पीछे हिलने वाले नहीं है। और ये सुरमा का इलेक्शन है, इसके बाद विलेज काउंसिल इलेक्शन होगा, उसके बाद 2023 का इलेक्शन होगा, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन प्रद्युत माणिक्य और इकरा मोथा अब पीछे हटने वाला नहीं। गुरुई बदल, बुमा बदल, TWF, YTF अब पीछे हटने वाला नहीं। हम लोग जमीन में हैं और जमीन से फाइट करेंगे, विलेज काउंसिल इलेक्शन हो, बाय इलेक्शन हो और 2023 के इलेक्शन हो, हम लोग फाइट करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। महाराज कितना वोटर से यहाँ में इन टोटल, आप पूरा टोटल तिप्रासा का पूछे टोटल सुरमा सुरमा में शायद 47,000 वोटर्स इस विधानसभा में आप पूरा जीतने का भरोसा करते हैं? देखो इलेक्शन में इवेंचुअली पब्लिक ही जानता है कि कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन मेरा काम है कि मैं अपना जमीन नहीं छोड़ूं। आज से पहले सुरमा इस एरिया से कभी भी आंचलिक पार्टी कभी फाइट नहीं किया है, क्योंकि हमेशा आंचलिक पार्टी 20 सीट पे ही फाइट करता था और ये मैसेज जाता था कि 20 सीट पे आंचलिक पार्टी है, उसके बाहर नेशनल पार्टी फाइट करेंगे। आज पहले बार सीरियसली एक आंचलिक पार्टी सुरमा के लोगों को बोल रहा है कि अगर आपको एक चांस है अपने ही टिप्रासा पार्टी को वोट करने के लिए, आप वोट कीजिए। अब पब्लिक डिसाइड करेगी कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन मैं एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि
तूफान आए, बारिश आए, आंधी आए, हम पीछे हटने वाले नहीं। कई पीपल ने कहा है पैसा दे के उनको ले ले जा गया, फिर से वापस आ गया दीप्रासा, ये सुना है? 13 लाख दीप्रासा को खरीदना इतना आसान नहीं है। आप एक टुकड़ा का महाराजा को खरीद नहीं सकते हो और आप दीप्रासा के आम जनता को खरीद नहीं सकते हो। बीच में अगर आपको लीडर को खरीदना है तो खरीदो, पैसा दीप्रासा के ही पास जा रहा है। लेकिन दिल में दीप्रासा ने माइंड मेकअप कर दिया है कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हंसा हो गया, कुछ ना कुछ तो लेना है। हम लोग को 70 साल से बहुत अत्याचार हुआ है, हम कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, हम जानते हैं कि ये फाइट कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, कोई रिलीजन के खिलाफ नहीं, धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जानते हैं। और दीप्रासा ने अपना दिमाग बना दिया है कि अब आप जो भी पैसा फेंको हम आपका पैसा रख लेंगे, लेकिन हम वोट उसी को करेंगे जो दीप्रासा का भविष्य के बारे में बात करें। और आज के दिन दीप्रा मोथा ही दीप्रासा के बारे में बात करें। मैं दरकार होगा तो मैं नाइट होल्ड भी करूंगा। मैंने अपना कपड़ा वपड़ा सब लाया, मैंने दवाई भी लाया है, मैंने डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा सा आराम करने के लिए। लेकिन इस मौके में मैं दीप्रासा को, अपने वर्कर्स को, अपने वॉरियर्स को, मेरा बुरी बदल को, माई YTF को, मेरा दीप्रा मोथा वॉलंटियर्स को, लीडर्स को मैं छोड़ के अकेला आराम नहीं कर सकता हूँ, मैं रहूंगा। वो भी है, बीजेपी भी है, सीपीएलडी भी है, और अगर पार्टी भी है, और आप लोग भी है। आप लोग की पार्टी में आपके कैंडिडेट को लोग क्यों वोट करेंगे, इसलिए वोट करेंगे? हम लोग ईमानदार, हम लोगों का बात करने का तरीका डायरेक्ट, और जो लोग बोल रहे डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, उनको 70 साल मिल गए डेवलपमेंट करने के लिए, यहाँ में बत्ती नहीं है जिसे हम बात कर रहे हैं, इसको आप डेवलपमेंट बोलेंगे? रास्ता कीचड़ से पड़ा हुआ है, इसको आप डेवलपमेंट बोलेंगे? कीड़ा बोलेंगे? तो हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं, हम लोग को जो बोलना है उनका लीडर भी डायरेक्ट बात करता हूँ। और लोगों को चूज करना है, अगर उनको ईमानदार को वोट करना है तो हमें वोट करेंगे, अगर उनको जुमलेबाजी में जाना है तो वो अपना मन कहीं भी वोट करेंगे। मैं क्या करें, जागा दीदी।